आपको 400 बार का इतना कॉन्फिडेंस है तो एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करवा के देख लीजिए, सच्चाई जमीन पे जो होगी वो सामने आएगी। ईवीएम को एक बार किनारे करके दिखा दीजिए, आप 400 नहीं आप 200 पे रुक के दिखाएंगे। मनोज तिवारी जी कभी आते भी होंगे तो अपने कार्यकर्ताओं से अपने विधायकों से मिलकर चले आते होंगे, पब्लिक से आज तक उन्होंने एक भी मुलाकात नहीं की जाए। आप हमारे क्षेत्र में आए हैं, आपको आने से यहाँ कैसा महसूस हुआ? क्या रास्ते में आपको जाम नहीं मिला? यहाँ पे आना एक बहुत बड़ी मुसीबत है, बहुत मुश्किल से लोग यहाँ आ पाते हैं क्योंकि यहाँ सांसद महोदय ने कोई भी रास्ता ठीक नहीं कराया। नरेंद्र मोदी जी ने जो वो काम किया आज तक कोई करने वाला नहीं था। यदि राम मंदिर का निर्माण काम करने का श्रेय यदि किसी को जाता है वो नरेंद्र मोदी जी को जाता है। यदि धारा 370 को ख़त्म करने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने, 35A काम हुआ तो नरेंद्र मोदी जी ने। लेकिन आपने कहा कि मोदी जी ने चिताव जलाने में सहायता की है, नहीं चाहिए हमें ऐसा व्यक्ति जो हमारे लोगों की चिता जलाने में हमारी सहायता करे। दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की, 10,000 मार्शलों को लात मार के इन्होंने बाहर भगा दिया और आज तक उनको तनख्वाह नौकरी कुछ नहीं है। तीन साल से अध्यापकों को वेतन नहीं मिला है। कॉमनवेल्थ गेम में भाई रुक जाओ, कॉमनवेल्थ गेम में कांग्रेस घोटाला कर गई, उसके बाद जाडू वाले को लिया है, अब ये घोटाला कर रहे हैं। लेकिन वो है टूटी खाट फटा लग वोट और मर गए भैया भाजपा को देके वोट। आ रहा है लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार, आखिर आप कितने तैयार हैं ये जानने के लिए हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जहां पर आप इस वक्त देख रहे हैं बोल भारत बोल। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं अर्जु दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। लोकतंत्र में सबको बोलने की आजादी है, इसीलिए आप खुलकर बोल सकते हैं, खुलकर उठा सकते हैं अपनी आवाज, बता सकते हैं हमें कि इन 5 सालों में आपके इलाके में सांसद ने क्या काम किया है और क्या खामियां रह गई हैं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बोल भारत बोल। इस वक्त हम लोग दिल्ली के करावल नगर में मौजूद है, जहाँ पर मेरे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, बीएसपी के कार्यकर्ता, साथ ही यहाँ की आम जनता इस वक्त मौजूद है। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, जैसे कि मैंने कहा कि इन 5 सालों में सांसद जी ने क्या काम किया है और क्या खामियां रह गई हैं, जानते हैं जनता से। सबसे पहले आगे आ जाइए कैमरा जी, बताइए 5 काम सांसद जी के। सांसद तो देखो जी बहुत बड़ी बात है, सांसद यहाँ तो जो है ना नीचे के लोग ही जो है ना उपलब्ध ना होते। अच्छा, ऐसे कौन उपलब्ध नहीं है? विधायक हैं वगैरह, ये तो छोटे आदमी हो ना मिल जाने। चलिए मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मेरे साथ इस वक्त विधायक जी भी मौजूद हैं। पहले जनता से बातचीत करते हैं, इसके बाद चलेंगे विधायक जी के पास। सब जवाब तैयार रखेगा, आ रहे हैं आपके पास। मैडम एक बात तो मैं बताऊं यहाँ, बाकी राजनीतिक बातें आपने बताई बहुत अच्छी बात है, हम तो आम पब्लिक के आदमी हैं। यहाँ के चाहे विधायक महोदय हों, चाहे सांसद महोदय हों, चाहे काउंसलर महोदय, भजनपुरा से लेकर के करावल नगर तक, आप कहाँ से आए? फ्लाइट से आए या सीधे बाई रोड आए? आप कहीं से भी समझ, इतना अतिक्रमण है। हाँ। कितना अतिक्रमण है कि यहाँ की जो बेचारे अभी युवा है ना, हम तो रिटायर, हम तो घर में रहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितने जो लोग हैं वर्किंग क्लास है यहाँ की, वो सुबह शाम जो संघर्ष करते हैं अपने जीवन का, वो बड़ा दुष्कर है। यहाँ पूरे रोड पर भजनपुरा से लेकर के और अपना इधर चले जाओ यहाँ से बिहार तक, अवैध पार्किंग है, सड़क के बीचों बीच गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं और पुलिस का महकमा हो चाहे MCD का, जो जिम्मेदार लोग हैं वो आंख बंद कर लेते हैं और सीधे सीधे अवैध उघाई होती है, किसी को नहीं दिखाई देता। सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम, बाकी तीन चीज़ें जीत हार अपनी जगह, किसको नहीं दिखाई देता। पूरे ब्रजपुरी रोड पर चले जाइए आप, पूरा रोड जो है दोनों तरफ से 20-20 फीट घेरा हुआ है और बीच में पार्किंग है। उधर भजनपुरा से लेकर के आ जाइए आप, ये जो नाला है, नाले के बिल्कुल रोड के बीच डिवाइडर के दोनों तरफ गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं लंबी लंबी, आप बताइए इसे कौन देखेगा। तो 5 काम हमने, हम चलते हैं महिलाओं के पास, पहले सांसद जी के 5 काम उनसे जान लेते हैं कि 5 काम क्या हैं
और उन्हें क्या तकलीफें आ रही है। चलिए मैम, देखा है आपने कभी सांसद जी को इलाके में? मैंने आज तक नहीं देखा है। नहीं देखा? नहीं, एक दो बार आए, 5 या 10 मिनट के लिए रुके और चले गए। मुझे नहीं लगता उन्होंने 5 साल में 5 भी काम किए। उन्होंने एक ये पार्क दिया है तो नशेड़ियों को यहाँ पर सोने के लिए, घूमने के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है यहाँ पर। आज तक भी उन्होंने किसी भी जिले में जाकर कहीं भी कोने में देखा हो करावल नगर में कि कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, क्या हो रहा है, कहाँ नाले बने हैं, कहाँ टूटे हुए, कभी देखा उन्होंने? किसी आम जनता को भी जाकर कभी उसकी सुनवाई करी कि तुम कैसे हो, कैसे नहीं हो? एक विधायक पर थोपना है, विधायक ही करेगा, सांसद का कोई काम नहीं होता। सांसद के कम से कम इतने काम होते हैं कि अगर मैं गिनवाने में बैठूं ना तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक, मैं तो समझती हूँ कि सांसद के रूप में वो बिल्कुल फेल है। धन्यवाद। सांसद के रूप में वो बिल्कुल फेल है, ये बहुत बड़ी बात बोली है। क्या कहेंगे सर आप इस पर? मैं निश्चित रूप से, हर आद व्यक्ति की अपनी सोच है, जिसको जितनी जानकारी होती है वो उतनी बात करता है। सांसद का काम होता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्टों को बनाना है, और एरिया के यदि छोटी कोई समस्या हो तो निश्चित रूप से स्टेट गवर्नमेंट का आता है। स्टेट गवर्नमेंट किसकी है, कौन स्टेट गवर्नमेंट में काबिज हैं, ये हम इन बातों का यदि हम सांसद का कहें तो एलिवेटेड रोड कौन बना रहा है, भजनपुरा से लेकर के पूरा ये जो ऊपर वाले फ्लाईओवर वगैरह का काम कौन कर रहा है, मेट्रो का उनका निर्माण कार्य कर रहा है, यदि शास्त्री पार्क को देखें तो वो निश्चित रूप से उसका कार्य करने का काम कौन कर रहा है। यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे जो 28 बच्चे 1996-97 के अंदर जिन बच्चों की असामाजिक मृत्यु हुई थी, उस पार्क का निर्माण करने का काम कौन कर रहा है? यदि आप देखेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल झूठ बोला जा रहा है। जो 28 बच्चों की ऐसे में मृत्यु हुई थी, उस पार्क के निर्माण कार्य का काम शीला दीक्षित जी ने अपने समय में ही अलॉट कर दिया था, और वो भीषम शर्मा एक विधायक हुआ करते थे गोंडा में, कांग्रेस के भीषम शर्मा के द्वारा उस पार्क का निर्माण किया गया। आप पुराने कागजात कोई भी उठा के देख सकते हैं, ये सांसद के काम गिनाए। मैं कहता हूँ 10 साल सांसद को हो गए, इन 10 सालों में केवल 10 काम दिखा दें, 10 काम बता दें, सांसद के केवल 10 काम बता दें, वो तो दिखाई नहीं देते, वो तो कहीं ले, मैं तो 10 कह रहा हूँ, जनता कह रही है कि 2 बता दें, 5 बता दें, बता दें 2 काम सांसद के बता दें। इसलिए 10 सालों में एक भी सांसद क्या एक भी बताइए? ये बैकवर्ड, सबसे बैकवर्ड एरिया है, करावल नगर बॉर्डर का एरिया है। मनोज तिवारी जी कभी आते भी होंगे तो अपने कार्यकर्ताओं से, अपने विधायकों से मिलकर चले जाते होंगे, जय पब्लिक से आज तक उन्होंने एक भी मुलाकात नहीं की जाए। आप हमारा क्षेत्र में आए हैं, आपको आने से यहाँ कैसा महसूस हुआ? क्या रास्ते में आपको जाम नहीं मिला? यहाँ पे आना एक बहुत बड़ी मुसीबत है, बहुत मुश्किल से लोग यहाँ आ पाते हैं, क्योंकि यहाँ सांसद महोदय ने कोई भी रास्ता ठीक नहीं कराया। अभी मोदी 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 2024 का नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा ऐलान, 400 पार। आखिर ये 400 पार का आंकड़ा कैसे पार होगा? चलते हैं पहले विधायक जी के पास, जानेंगे उनसे कि 400 पार का जो आंकड़ा है वो कैसे पार होगा। इसके बाद जाएंगे विपक्ष के पास, बताइए सर कैसे पार होगा ये 400 पार का? देखिए, निश्चित रूप से ये गली नाली खड़ंजे का चुनाव नहीं है, ये देश और राष्ट्र का चुनाव है, और देश और राष्ट्र के अनेक मुद्दे हैं जिन मुद्दों की वजह से आज भारत का सम्मान पूरे विश्व के अंदर हुआ है, और विश्व भी भारत की ताकत को जानता है। नरेंद्र मोदी जी ने जो वो काम किया, आज तक कोई करने वाला नहीं था। यदि राम मंदिर का निर्माण काम करने का श्रेय यदि किसी को जाता है, वो नरेंद्र मोदी जी को जाता है। यदि धारा 370 को ख़त्म करने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने, 35A काम हुआ तो नरेंद्र मोदी जी ने, यदि परमाणु की बात आती है तो नरेंद्र मोदी ने देश के अंदर विश्व के अंदर एक बहुत बड़ा सम्मान करने का काम, यदि हम देखते हैं आज हम कॉरिडोर को देखें, आज हम रेलों को देखें, एक नहीं अनेक योजनाओं को ला करके भारत के लोगों को सम्मान दिलाने का,
यदि नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो ऊपर वाले ने गिफ्टेड ऐसा व्यक्ति जिस देश के अंदर भेजा है जो हर व्यक्ति का सम्मान करता है। कोरोना जैसी महामारी हो, जिस कोरोना महामारी के अंदर हर घर का चूल्हा जलाने का, हर बहनों का सम्मान करना, यदि कोरोना जैसी बीमारी हो तो जिस प्रकार से इतना बड़ा कार्य हो करके जो टीकाकरण का काम है, ये नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम है। एक नहीं अनेकों कार्य नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये देश और राष्ट्र का चुनाव है, इसमें मुद्दे बहस होने चाहिए राष्ट्र या चुनू उन पे। और यही नहीं, यदि यही नहीं, यदि आज उज्ज्वला गैस की योजना का देखते हैं हम, यदि हम उज्ज्वला गैस एजेंसी उसके मामले को देख लें, हम राशनिंग के उसको देख लें, महिलाओं के सम्मान का की बात को देख लें, अनेक जगह पर भारत के हर व्यक्ति का, हर तबके का किसी ने सम्मान किया, वो व्यक्ति नरेंद्र मोदी है। इसलिए आप 400 पार करिए, 400 पार से भी पार जाने वाला है। इस बार पूरे देश के अंदर कमल के सिवाय बाकी कोई नज़र नहीं आएगा। जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, मैं यहीं से विधायक हूँ, 1998 में पहली बार मैं जीता, ये तो तब यहाँ भी नहीं होंगे। बता दिया, क्या राम के नाम पे 400 पार का आंकड़ा पार होगा? देखिए, बीजेपी का चुनाव मुद्दों पर होना चाहिए। हाँ। चुनाव कभी धर्म पर, आस्था पर, और राम मंदिर या किसी भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे पर चुनाव कभी नहीं होना चाहिए। यदि उस ओर चुनाव चला जाता है तो वो चुनाव नहीं रह जाता, वो देश गर्त में जा रहा है। यदि धर्म के नाम पे चुनाव होने लगे तो हमारा देश गर्त में चला जाएगा, हमारा देश बढ़ेगा नहीं, हमारा देश डाउन चला जाएगा। विकास के नाम पे चुनाव होना चाहिए, नंबर एक बात। अभी माननीय हमारे विधायक जी, हम ये कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, आप पर्सनली अच्छे काम कर रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं, लेकिन आपने कहा कि मोदी जी ने चिताव जलाने में सहायता की है। नहीं चाहिए हमें ऐसा व्यक्ति जो हमारे लोगों की चिता जलाने में हमारी सहायता करे। हम नहीं चाहते कि हमारे लोगों की चिता जले इस तरीके से। क्या आप चिताव के ऊपर भी राजनीति करेंगे? क्या आप चिताव के ऊपर राजनीति करेंगे? आप अभी धर्म कर्म की बात करते हो, उसके बाद हमारे घर परिवार के लोगों की अगर चिताएं जल रही हैं तो उसके ऊपर भी आप राजनीति करेंगे? ऐसी राजनीति हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए विकास की राजनीति, हमें चाहिए स्कूल की राजनीति, हमें चाहिए रोजगार की राजनीति, हमें चाहिए रास्तों की राजनीति, हमें हमारा ट्रैफिक सिस्टम सही चाहिए, हमें हमारे बच्चों का भविष्य ही चाहिए, हमें हिंदू मुस्लिम में मत बांटो, हम एक हैं, हमें एक रहने दो, हमें खिलता हुआ भारत रहने दो, हमें वो चमन रहने दो जिस चमन में हमारे पुरखे, चाहे शहीद अशफाक उल्ला खान हो, महात्मा गांधी जी हो, चाहे जो भी हमारे शहीद आजम भगत सिंह जी हो, चंद्रशेखर जी हो, राजगुरु जी हो, उन सब लोगों ने ये कल्पना नहीं करी थी कि हम इस देश को हिंदू मुसलमान में बांटेंगे और मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारों पर राजनीति करेंगे। हम सब एक हैं, हमें एक रहने दो और हम सबको खिलता चमन बनने दो। ये हिंदुस्तान की आवाज़ है, ये आवाम की आवाज़ है, हम सबको एक रहने दो। हमें फिरकापरस्त ताकतों को मैं कह देना चाहता हूँ कि हमें मत बांटो। क्या बात है, क्या बोल रहे हैं बताइए। आपने कहा कि इस बार 400 पार, क्या आपके सवाल का मैं जवाब देना चाहूँगा। हाँ। कि अगर 400 पार का आपको इतना कॉन्फिडेंस है? मुझे नहीं है, उनको है, जिसको भी है। अगर आपको 400 पार का इतना कॉन्फिडेंस है, मान्यवर बात पूरे होने दीजिए। अगर आपको 400 पार का इतना कॉन्फिडेंस है तो एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करवा के देख लीजिए, सच्चाई जमीन पे जो होगी वो सामने आएगी। ईवीएम को एक बार किनारे करके दिखा दीजिए, आप 400 नहीं, आप 200 पे रुक के दिखाएंगे। पंजाब में ईवीएम जीत जाते हैं तो वहाँ पे ईवीएम सही हो जाती है, और दिल्ली में भी कोई और जीत जाए तो ईवीएम खराब हो जाती है। ठीक है, देखिए एक सवाल आया है कि बैलेट पेपर पे चुनाव क्यों नहीं होते हैं? आखिर बैलेट पेपर पे चुनाव क्यों नहीं होते? मैं पहले वो जवाब दूंगा जो भाई साहब ने उठाया, रोजगार की बात की। दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की, 10,000 मार्शलों को लात मार के इन्होंने बाहर भगा दिया और आज तक उनको तनख्वाह नौकरी कुछ नहीं है। तीन साल से अध्यापकों को वेतन नहीं मिला है। देखो वहाँ जाके कितने लोग कहते हैं, वहाँ अनशन पे बैठे हुए हैं। और धर्म की, ये रोजगार की बात करते हैं और हम राम की बात क्यों ना करें? जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। एक बात और ध्यान आई, अभी CAA लागू किया मोदी जी ने,
एक सेकेंड। अभी आप किसी, हम आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे, हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे, आप भी नहीं करेंगे, आप भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अभी मोदी जी ने CAA लागू किया, वो केजरीवाल जी जो 10,000 रुपए रोहिंग्याओं को सैलरी देते हैं रहने के लिए, बिजली देते हैं, घर देते हैं, पानी देते हैं और खाना देते हैं, वो कहते हैं कि वो जो हमारे हिंदू भाई यहाँ आएंगे वो रेप करेंगे, इतना गंदा बोलते हैं वो लोग, ये इनकी भाषा है। और कहते हैं राम का नाम लेके तुम जीतते हो, अरे हम राम का नहीं, हम पूरे कहते हैं देश का नाम लेके जीतते हैं, भारत। ठीक है, क्या बोल रहे थे सर? मैं चाहता हूँ अगर अक्षेत्र के विकास की बात करते हैं, चुनाव की बात करते हैं, ये कहते हैं 400 के पार पहले कैसे कह सकते हैं, जनता ही 400 के पार करेगी या नहीं करेगी? अगर इनको अपने आप में हिम्मत है तो ये बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करा लेते? कराइए बैलेट पेपर से, आपको पता चल जाएगा क्या होता है 400 के पार। यहाँ की जनता को जो समस्याएं हैं, स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, वो पूरी होती नहीं है, दूसरे पर राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। मेरा देश भारत सब धर्मों का देश है, इसमें सब धर्म के लोग रहते हैं, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, सबको स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, अपने सुविधाओं पे बात करनी चाहिए, धर्म के नाम की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस क्षेत्र के विकास की बात करनी चाहिए, जो भी प्रतिनिधि आए चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, जो यहाँ के सामाजिक लोगों के लिए काम करेगा वो यहाँ से जीत कर जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा आपके 400 के पार को हटा के बैलेट पेपर से वोट होना चाहिए, मशीन से नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, अगला सवाल हम लोग लेते हैं। चुनाव से पहले CAA लागू किया गया, आखिर क्यों? सिर्फ चुनाव से पहले ही क्यों लागू किया गया? जब ये बिल 2019 में पास किया गया था तो इसके बाद दंगे हुए, ये बिल वापस ले लिया गया, इसके बाद इसे लागू किया गया, अब देश भर में लागू है ये, अब क्यों? जवाब, वो इसलिए किया गया 2019 के बाद 2020 में कोरोना हो गया था, 3 साल आदमी परेशान थे, इसलिए नहीं करा। हाँ। अब कोरोना खत्म हो गया, ठीक है, लागू कर रहे हैं। जब प्रदर्शन किया गया था तब भी तो कोरोना था, प्रदर्शन किसने करा? जो विपक्षी दल थे जो, उन्होंने करा प्रदर्शन, हमने कोई भाजपा वाले ने करा? जिनने CAA लागू करा उन्होंने करा, जो इस देश में रहते थे बांग्लादेशी थे उन्होंने करा, जो बांग्लादेश के रहते थे वहाँ पर उन लोगों ने प्रदर्शन करा, हिंदुस्तान का कोई भी नहीं था उसमें सम्मिलित, सारे बाहर के लोग थे जो प्रदर्शन करने वाले, ये वो थे। क्या बोलते? यह मुस्तफाबाद का एरिया है जिस जगह पे हम खड़े हैं, इस जगह पे जो दंगे हुए वो मुस्तफाबाद में आम आदमी पार्टी का जो निगम पार्षद था ताहिर हुसैन, उसी ने कराया, हिंदू मुस्लिमों में कत्लेआम कराया जिसमें हिंदुओं की बहुत मौतें हुई। ये पार्टी जो है दंगाइयों की पार्टियों के नाम से जानी जाती है। कह रहे हैं यहाँ पे इन्होंने बनवाया, आप 2 महीने तक पहले यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते थे, यहाँ पे इन्होंने क्या बनवाया? यहाँ पे शराबी आके रात रात को बैठ रहे हैं, लड़कियों का यहाँ लड़कियाँ नहीं आ सकती रात को, घर की बहन बेटियाँ आ नहीं सकती, इन्होंने क्या बनवाया? 4 साल से पहले इन पे बना नहीं, अब बनवा रहे जब इनका चुनाव आ रहा है, हैं अब ये सिलेंडर सस्ते कर रहे हैं, अब इनके लिए कुछ नहीं है, अभी 400 बार वोट चाहिए ना, वोट के लिए आ रहे हैं, इनसे पहले इनमें से कोई नहीं दिखा यहाँ पे, आप आए इनसे पहले बता दीजिए हमें, मैंने इन पहली बार देख रहा हूँ, मुझे अब पता चला है ये अब है, मुझे अब पता चला है यहाँ पे कोई चुनाव है। अगर ये बाहर के विधायक हैं तो यहाँ क्यों आए हैं फिर? आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल कहते थे कि हमारी जो पार्टी है वो कट्टर ईमानदार पार्टी है, आज उनके मंत्री जेल में हैं, सबसे पहले सत्येंद्र जैन, संजय सिंह और अब केजरीवाल को नौवा समन ईडी ने भेजा है, भले ही जमानत मिल गई हो। क्या होने वाला है अब चुनावों से पहले, क्या होने वाला है? नहीं आपसे लेंगे, आप मैं आपको आम आदमी पार्टी के पूरे भ्रष्टाचार बताऊंगा, आप इसको थोड़ा सा नीचे कर लो। 28 पार्टी का गठबंधन है वो सारा एक ही है, और इन्होंने इतना घोटाला मचा रखा कॉमनवेल्थ गेम में, भाई रुक जाओ, कॉमनवेल्थ गेम में कांग्रेस घोटाला करगी, उसके बाद जाडू वाले को लिया है, अब ये घोटाला कर रहे हैं। कोई नौकरी नहीं दी दिल्ली सरकार ने, दिल्ली का युवा हूँ, दिल्ली की पैदाइश है मेरी, नॉर्थ ईस्ट में ही पैदा हुआ हूँ, और 2008 में विष्ट जी ने गली बनवाई थी, 2008 में विष्ट जी ने गली बनवाई थी, फिर दोबारा दिल्ली के फंड से दिल्ली की गलियों की रिपेयरिंग वगैरह हो रही है, और कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, आज ही उन्होंने जी कुछ दिन ध्यान देते हमारी मुस्तफाबाद विधानसभा पे, लाल बाग वाले रोड पे पूरा अंधेरा रहता है, ऐसा लगता है हम वहाँ चल रहे हैं बांग्लादेश में। सच बोल रहा हूँ मैं,
सच बोल रहा हूँ भाई, रुक जाओ। और केजरीवाल जी ने सुनोगे भैया जी, मैम जी एक सेकंड, केजरीवाल जी ने इतना घोटाला करा, शराब का घोटाला, ट्रांसपोर्ट घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला, सारे घोटाले। जब दिमाग नहीं चल रहा इनका तो घोटाला, आज वो मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दिए, 100-200 घोटाले सरकार के, आम आदमी पार्टी के। ठीक है, सुना, उसी का जवाब दे कि सारे जितने भी मंत्री हैं भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है, और अब केजरीवाल जी को नौवा समन ईडी ने भेजा है, अब क्या होने वाला है? क्या होने वाला? हाँ, बताइए। होने वाला ये है कि जब वो कहते नहीं कि हमारे जो मोदी जी थे वो फकीर थे, तो उनसे आज क्या रखेंगे? वो कह रहे हैं कि भाई मोदी जी क्या देंगे, शादी करी फकीर से, टूटी सबकी आस, और साल 10 हो गए और पैदा हुआ ना विकास। अगर कहीं पैदा विकास हुआ हो, मुझे बताओ कौन से अब तक घोड़ी चढ़ गया होता वो विकास। फिर हमारे वो जो सांसद जी हैं रिंकिया के पापा जी, वो 10 साल में एक बच्चा गोद लिया था, हमारा चौहान पट्टी गांव लिया था गोद को उन्होंने, आज भी वो चौहान पट्टी गोद में ही है। वो रही बात हमारे विधायक जी की, मैं विधायक जी का धन्यवाद देता हूँ, विधायक जी ने वाकई काम किए थे, मैं विधायक जी का मैं सपोर्टर रहा हूँ, लेकिन वो है कि टूटी खाट फटा लंगोट और मर गए भैया भाजपा को देके वोट। सोचा था कि बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी, हमें ही पता नहीं ये पतरूल भी उतर जाएगी। सुनिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, क्या उससे बीजेपी को कोई फर्क पड़ेगा या कांग्रेस को फर्क पड़ेगा? जवाब नहीं, आपसे भी नहीं, आप आइए। सुना आपने मेरा प्रश्न? भी सुन लिया मैंने प्रश्न। जो भारत जोड़ो यात्रा है ना, ये भारत तोड़ो यात्रा चल रही है वास्तव में। तो बात ये है, राहुल गांधी को कहना क्या है, करना क्या है, पता ही नहीं उनको कहना क्या है, पार्टी के अंदर और देश के अंदर क्या बोलना है। मोदी जी का जो वास्तव में विकास है ना, उसके सामने सब धराई है। ये 140 करोड़ देशवासी सभी मिलकर के भाजपा को वोट डालेंगे और मोदी जी को 400 पार करा के दिखाएंगे, ये सब देखेंगे इसको, क्योंकि मोदी जी जो कहा है वो किया है उन्होंने। विकास के अगर काम देखने हैं, वंदे भारत ट्रेन को देखो आप जाकर के, हाईवे रोडों को जाकर के देखो, कनेक्टिविटी को काम करके देखो, महिला सुरक्षा को लेकर के देखो, काम करें। ठीक है, क्या बीजेपी को फायदा होगा या कांग्रेस को ही होगा? राहुल गांधी, और दूसरा प्रश्न भी सुन लीजिए, क्या राहुल गांधी पीएम उम्मीदवार के तौर पर मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, राहुल गांधी जी आज रोड पर हैं, और नेता वही होता है जो रोड पर होता है, जनता के साथ होता है, जनता की आवाज उठाता है। राहुल गांधी जी ने मणिपुर से न्याय यात्रा निकाली, मोदी जी कहते हैं सारा देश मेरा परिवार, और सब लोग उनके परिवार के रूप में उनको अपना परिवार मानने लगे, लेकिन क्या मणिपुर की वो बेटियां जिनको नंगा घुमाया गया था वो मोदी जी का परिवार नहीं थी? क्या निर्भया हमारी मोदी जी का परिवार नहीं थी? क्या जो हाथरस में हत्याकांड हुआ हमारी जो दलित बहन, वो मोदी का परिवार नहीं थी? तो मोदी का परिवार, यदि सारा देश मोदी का परिवार है तो सारी बहनें भी मोदी की सारी बहनें होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहनों से सवाल लेते हैं, आगे आइए। क्या राहुल गांधी पीएम उम्मीदवार के तौर पर मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे? ये तो बहुत मजाकिया सवाल है, बिल्कुल ही नहीं दे सकते हैं, ये बहुत ज्यादा मतलब वाहियात सवाल है, टक्कर देने की तो बात पॉसिबल ही नहीं है। क्या सोचती है राहुल गांधी के बारे में? राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी सोचो खुद बताते हैं, जहाँ जाते हैं कुछ ऐसा बम फोड़ते हैं कि उसी में हम लोग मतलब उनके जो चाहने वाले हैं वो फिर पीछे चले जाते हैं, जो थोड़े थोड़े आगे बढ़ते हैं। तो मतलब आप आगे बढ़ी या फिर पीछे की पीछे थी? मैं तो पीछे थी, शुरू से ही थी उनके पीछे। जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहते हैं कि हुआ है, चलो क्या पता बदलाव करेंगे, कुछ नया जरूर कुछ सोचने पे आती है पब्लिक कि कुछ अच्छा करेंगे, तो खुद एक बार नया बम फोड़ देते हैं, परमाणु फोड़ देते हैं, एक बार हाँ फोड़ देते हैं वो। उनके विषय में क्या कहेंगे?
कैसे बारे में? राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसके बारे में। ये माँ बेटे नहीं जुड़ पा रहे हैं, माँ देखो अलग बंगले में, बेटे अलग बंगले में, और ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं। ये पहले अपने घर को ही जोड़ लो, बाद में पब्लिक को जोड़ना, जनता को जोड़ना। मोदी जी के सामने कोई कहीं से कहीं तक नहीं टिका। प्रचार बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, जब अपने परिवार को ना जोड़ सके दूसरे को क्या जोड़ेंगे? बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। गांधी जी ने भी करी थी भारत जोड़ो यात्रा, तो गांधी जी ने भी करी थी। बताओ पहले मैडम, ये बताओ पहले, ये बताओ पहले महागठबंधन वाले पहले इनको पीएम पद की घोषणा तो करें। इनके अपने महागठबंधन में ही नहीं इनका डिसाइड हो पा रहा है कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है कौन। इधर आइए, महागठबंधन, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन। यहाँ प्रजातंत्र है, यहाँ सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। अगर गठबंधन की बात करें, सब स्वतंत्र है, हर पार्टी स्वतंत्र है, इसमें किसी का कोई वो नहीं है। लेकिन अगर हम गठबंधन की बात करें, क्योंकि गठबंधन तोड़ा जा रहा है, उसके घर ईडी दिखाई जा रही है, उसके यहाँ सीबीआई दिखाई जा रही है, फिर वो इंडिया गठबंधन में कहाँ रहेगा वो, बताइए आप। एनडीए इंडिया गठबंधन से बड़ा गठबंधन है, 42 पार्टियों का गठबंधन है, और आप देखिएगा कि कौन किसको कैसे तोड़ रहा है। आप हिमाचल में चले जाइए, हिमाचल में पांच विधायकों को बाहुबल से, धन से तोड़ करके यहाँ रिसोर्ट में रखा गया है। क्यों आखिर ऐसी नौबत आ रही है? अमित शाह जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? लोकसभा चुनाव की हुंकार, यहाँ पर जनता भरती हुई नजर आ रही है। ग्राउंड जीरो से हमारा खास कार्यक्रम बोल भारत बोल इलेक्शन स्पेशल आज के लिए बस इतना ही, जल्द नए कार्यक्रम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। जय हिंद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।